एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। आई एम सागरिका सिंह एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की पेंटिंग, ठीक है। और इसके आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग को ये थंबनेल देख करके और टाइटल पढ़ के समझ में आ ही गया होगा। तो मेरी इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊँगी इसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, प्रीवियस ईयर से लिए हुए क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस बार का जो सैम्पल पेपर आया था उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर पूरे सैम्पल पेपर हम सॉल्व कर लेंगे इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे चैनल पर जो पहली बार आया सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे, तो मैं उसको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने चैनल पे सब पढ़ा दिया, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, इट्स सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस से लेकर के मॉडर्न स्कल्पचर तक। जस्ट बिकॉज आपका ये टर्म टू है तो आपको नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया से लेकर के मॉडर्न स्कल्पचर तक ही पढ़ना है, ठीक है। यूनिट थ्री में जो है नेशनल फ्लैग, बंगाल स्कूल के दोनों पार्ट्स, मॉडर्न स्कूल के दोनों पार्ट्स, ग्राफिक प्रिंट और मॉडर्न स्कल्पचर, बस यही सात वीडियोस पढ़नी है, सब अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम बात करते हैं कि हमारा ये जो पेपर है ये कैसे आएगा। तो देखो, आपका ये पेपर है, ये आपका पेपर आएगा 15 नंबर का, 1 घंटे का टाइम पीरियड होगा। आपको इसमें टोटल दिए जाएंगे 6 क्वेश्चंस, ठीक है। पहले के जो 4 क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, उसमें से आपके 3 क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज़ होंगे, ठीक है। और 4th क्वेश्चन जो होगा उसमें आपकी चॉइस रहेगी, मतलब या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला, और ठीक है। फिर आते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन पे, तो 5th क्वेश्चन में अगेन आपको चॉइस दी रहेगी, ये होगा आपका 3 नंबर का, इसमें आपके पास और वाली चॉइस होगी। और लास्ट है हमारा 6th क्वेश्चन जो आएगा 4 नंबर का, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, ये बात याद रखना। और ये जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन याद रखना कि इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह पूछते हैं, मतलब पेंटिंग का डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं, ना ना ना, आपसे इसमें पूछते हैं या तो बंगाल स्कूल के बारे में बताओ, उसका ओरिजिन, डेवलपमेंट, उसके बारे में, उसके मेन फीचर्स, ये सारी चीज़ें, या फिर आपसे पूछ देंगे मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में बताओ, उसके पेंटर्स के बारे में, आर्टिस्ट। तो ये सब मैंने अपनी वीडियोज़ में कराया हुआ है, जाके वीडियो ज़रूर देखना, तभी समझ में आएगा कि यहाँ पर जो मैं रेफरेंस दूंगी उससे, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड इट्स सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस से। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें है कि इंडियन पेंटर्स का और स्कल्पचर्स का, स्कल्पचर्स उसको बोलते हैं जो स्कल्पचर बनाता है, ढांचे बनाते हैं ना, मूर्तियाँ, उनको बोलते हैं स्कल्पचर्स, तो उनका क्या रोल रहा है हमारे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में, हमें ये सब बताना है विद द एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इंडियन पेंटर्स का जो देखो रोल, ये मैंने आपको जब नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कराया था उसमें मैंने आपको बताया था, लास्ट स्लाइड्स में, लास्ट की 2 स्लाइड्स में मैंने आपको यही बताया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट, कि इंडियन आर्टिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में हमारी कंट्री के, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपके टोटल 4 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं, इन सब का आपको जितना भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ इसके आंसर्स आपको प्रॉपर टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, बट वो जो आंसर्स होंगे वो लाइक मैं 4th के अराउंड तक डाल दूंगी, जस्ट बिकॉज आपको रिवीजन के लिए, तब तक यहाँ पे ध्यान से सुनो और अपने पास एक कॉपी पेन लेके बैठो जहाँ पे आप जो मेन पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कर लो, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि अभी कि इसके टोटल 4 पैराग्राफ्स है, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कॉमन विलेजर्स के बारे में, महात्मा गांधी ने नंदलाल बोस से रिक्वेस्ट की थी कि वो लखनऊ सेशन हुआ था इनका 1936 में, तो ये वही चीज़ आपको इसमें लिखनी है। और इससे पहले आपको मैंने बताया कि अबेंद्रनाथ टैगोर का भी इसमें साथ रहा है कि उन्होंने कैसे भारत माता की फ़ोटो दिखा करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्पल पूछा है ना, तो भारत माता की फ़ोटो दिखा करके उन्होंने कैसे लोगों के अंदर जागरूकता, नेशनलिज्म की जागरूकता को लाए हैं वो, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल भी हो गया। और आपसे पूछा स्कल्पचरर्स का एग्जाम्पल, तो इसमें आप स्कल्पचरर्स के एग्जाम्पल में आप दे सकते हो कि कैसे जो हमारे डीपी राय चौधरी थे, ट्रायम्फ ऑफ लेबर बनाया उन्होंने, है ना, वो स्कल्पचर था उनका जिसमें वो वुडन लॉक को हटा रहे हैं। राम किनकार किंदार बेग जो है, उन्होंने संथाल फैमिली, जो फैमिली एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रही थी, वो उसका एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई एग्जाम्पल्स में, तो आपको ये बात ध्यान रख के चलनी है कि ये पूरा का पूरा यूनिट एक ही है। तो जितने भी हैं नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के बाद जितने भी हैं, बंगाल स्कूल, मॉडर्न ट्रेंड्स, फिर मॉडर्न स्कल्पचर, ग्राफिक प्रिंट्स, जितने भी हैं सबके अंदर आपको नेशनलिज्म की फीलिंग दिखती है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। पहले आपको लिखना है इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे इंडियन आर्टिस्ट का,
इसमें क्या आप लिखोगे, इसमें नंदलाल बोस के बारे में लिखोगे, उसके बाद आप रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में इंक्लूड करोगे, जिसमें आप भारत माता के बारे में इंक्लूड करोगे। फिर आप लिखोगे इसमें हल्का सा, फॉर एग्जांपल हम और एग्जांपल ले सकते हैं, तो स्कल्पचरर्स में अभी मैंने आपको बताया कौन थे, एमएफ हुसैन ले लो, उन्होंने मदर टेरेसा बनाई थी, तो वो भी एक एग्जांपल है इसका, अप्रोप्रिएट एग्जांपल नेशनलिज्म का। वो डी पी रायचौधरी ट्रायंफ ऑफ लेबर एंड रामकिंकर बेज संथाल फैमिली। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपसे सीधे सीधे पूछा गया है कि आपको जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसको डिस्क्राइब करना है। सैफ्रन कलर क्या डिस्क्राइब करता है, वाइट कलर, ग्रीन कलर, अशोकन व्हील और उसके 24 स्पोक्स, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका एक एक का आंसर, ये पांच क्वेश्चंस हैं, पांच का आंसर आपको मेरी वीडियो में दिख जाएगा। सैफ्रन कलर क्या डिनोट करता है, करेज एंड सैक्रिफाइस। वाइट कलर ट्रूथ एंड पीस। इंडियन ग्रीन कलर क्या दिखाता है, फेथ एंड श्रिविलरी। धर्मा चक्रा, अशोकन व्हील, धर्मा चक्रा, द व्हील ऑफ लॉ, ये सब एक चीज़ है। ठीक, ये दिखाता है प्रोग्रेस ऑफ आर नेशन। और 24 स्पोक्स क्या दिखाता है, 24 आवर्स प्रोग्रेस। याद करने का तरीका, 24 स्पोक्स 24 आवर्स, दोनों में 24 आना चाहिए। ठीक, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, इसका मतलब ये है जहाँ पर भी आपको मेरी वीडियोस में ग्रीन कलर दिख जाए, मतलब समझ जाओ ये क्वेश्चन मैंने उठाया है सैम्पल पेपर से। और जो रेड कलर से क्वेश्चन होगा वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके हाईली चांसेस हैं आने के। ठीक, तो डिस्क्राइब आर इंडियन नेशनल फ्लैग। तो इंडियन नेशनल फ्लैग को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो इसमें स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे कि भाई हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो आप इसमें अगर आपको, अच्छा यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देनी है कि क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है। दो नंबर का पूछा गया है तो जो दो पॉइंट्स है उसको डिस्क्राइब कर दो, क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू मार्क्स मिल जाएंगे। तीन नंबर का पूछा गया है तो आप डिस्क्राइब करोगे खाली थर्ड वाला, दैट इज़ July 22, 1947 वाला, उसको आप डिस्क्राइब करोगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू। यही क्वेश्चन अगर चार नंबर का आ जाए तब आप क्या करोगे, तब आप इसमें लिखोगे, डिस्क्राइब करोगे कि हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो कब से बनता आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि चार नंबर में आपको लाइक थोड़ा लेंदी लिखना होता है, टीचर को लगे कि हाँ भाई सब कुछ आता है इसको। ठीक, तो इस रीज़न से आप उसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर देना कि कैसे आपका अगस्त 7 से शुरू हुआ है। ठीक है, कहाँ पे होस्ट हुआ था, कितनी ट्रिप्स वगैरह थी। फिर सेकंड आता है हमारा 1921 में, थर्ड आता है हमारा July 22, 1947। ठीक, तो हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग कैसे बना ये वो है। फिर आता है फर्स्ट क्वेश्चन की हमें सिग्निफिकेंस बताना है, सो कलर का और सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या दिखाता है, वो क्या इंटरप्रेट करता है। तो वही करेज एंड सैक्रिफाइस, वही सैफ्रन वाइट ग्रीन। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अशोका चक्र क्या दिखाता है, प्रोग्रेस ऑफ आर नेशन। एंड उसके 24 स्पोक्स क्या दिखाता है, 24 आवर्स प्रोग्रेस। तो वही जो भी आपने ऊपर लिखा ना पांच, वही आपको इन दोनों में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट हम आते हैं बंगाल की पेंटिंग पे। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फादर कौन है फोक रेनेसेंस का। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है रेड वाला, तो हमेशा याद रखना आपको इसमें बेसिकली इनके कीवर्ड्स पकड़ने हैं। ठीक है, तो इसका कीवर्ड है फोक आर्ट। कि फोक आर्ट कौन से ऐसे आर्टिस्ट, अरे यार यस, तो कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फोक आर्ट, फादर ऑफ फोक आर्ट कहा जाता है उन्हें, और जो कि स्पेशली कंट्री साइड से मतलब बंगाल आए थे। ठीक है, और तो और इनकी बहुत एक्सप्रेसिव पावर्स, इन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं उसमें बोल्ड लाइंस कर्व्स वगैरह दिखाए गए हैं। तो याद करो जो मैंने आपको ये, अच्छा ये क्वेश्चन है आपका वैसे मॉडर्न ट्रेंड्स से, ठीक है, मैंने बायोमेट्रिक यहाँ डाल दिया है, बट आपको ये बात याद रखनी है बिकॉज पेपर में आपको ये नहीं आएगा कि ये चैप्टर जो है ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, नहीं ऐसे नहीं आएगा, ऑफकोर्स ही बात है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका मॉडर्न ट्रेंड से है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने फोक आर्ट को एज ए रीडिस्कवर किया या फिर फोक आर्ट में वो काफ़ी माहिर थे, तो वो है जामिनी रॉय। ठीक है, तो जामिनी रॉय के बारे में इसमें बात की जा रही है, और तो और उनके ही जो मेन पॉइंट्स थे उसमें बताया हुआ था, मैंने आपको ग्लोइंग कर्व्स बोल्ड लाइंस ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक, तो इनके पेंटिंग में भी यही है। अब यहाँ बताना है आपको, नेम द आर्टिस्ट, जामिनी रॉय हमने बता दिया, डिस्क्राइब हिज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। अच्छा, अब ये चीज़ नहीं है कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होता क्या है,
फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ आर्ट वो चीज़ होती है जो जब कोई चीज़ बहुत सारे एलिमेंट्स बहुत सारी चीज़ें एक पेंटिंग को एक पिक्चर को बनाने में यूज़ की जाती हैं। तो बेसिकली पांच आपके एलिमेंट्स होते हैं, 5 से 6, ठीक है। उसमें आता है आपका कलर, शेप, लाइन, टेक्स्चर, स्पेस, टोन। मतलब कि ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स यही सारी चीज़ें यूज़ करके तो एक पेंटिंग बनती है। कलर्स का यूज़ होता है, लाइन्स का यूज़ होता है, टेक्स्चर का यूज़ होता है, स्पेस कितनी स्पेस कवर करनी है, उसके बाद शेप क्या देनी है, कौन से टोन यूज़ करने हैं, डार्क टोन, लाइट टोन, वो सारी चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 4 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हैं क्या, एटलीस्ट 4 बताना था, मैंने आपको 5 से 6 बता दिए। अब आते हैं डिस्क्राइब हिज आर्टवर्क। तो इनका जो आर्टवर्क हमने एक ही पढ़ा है, दैट इज़ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है उसका आर्टिस्ट, उसका पीरियड कब बनी थी ये पेंटिंग, फिर हमें बताना है इसका मीडियम, इसका टेक्निक, कलेक्शन और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है। उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी ये बात लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ना। उसमें लिखा हुआ है कि जामिनी रॉय ने न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए फोक आर्ट के, कहाँ पे, स्पेशली कालीघाट पटा पेंटिंग्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन डन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, मेन फीचर्स बताने हैं बंगाल स्कूल के, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने आपको 5 बंगाल के मेन फीचर्स बताए हैं, कोई भी 4 जो आपको अच्छे लगे लिख सकते हो। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि हमें बतानी है रेलेवेंट पेंटिंग जो आपको रेलेवेंट लगे, ठीक है। एनी रेलेवेंट, अगर आपको एनी रेलेवेंट पूछा है तो ध्यान रखना 2-3 पेंटिंग्स हो सकती हैं। बंगाल स्कूल की बतानी है जिसमें कि ये फीचर्स हैं। अब फीचर्स पे ध्यान देना क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। पहला आपको पूछा है मिस्टिक एंड मेलो स्टाइल क्या होता है। मिस्टिक का मतलब होता है वो जो कि ट्राई टू कम्युनिकेट विद द गॉड, गॉड से बात करने की कोशिश। तो ये बात याद रखो, जब हमने बंगाल स्कूल पढ़ा था तब हमने 4 पेंटिंग्स पढ़ी थी, जर्नीज एंड, राधिका, शिवा एंड सती, मेघदूत, ठीक है। तो ये 4 पेंटिंग्स हमने पढ़ी हैं। तो इन पेंटिंग्स में आप देख सकते हो मिस्टिक, ट्राई टू कम्युनिकेट विद गॉड, राधिका में, शिवा एंड सती में और मेघदूत में, इन तीनों में हमने भगवान का नाम सुना है कि हाँ भाई कम्युनिकेट करने की कोशिश हो रही है, या फिर इन सब में भगवान का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल है। मेलो, मेलो मतलब होता है काम, शांति की बात, ठीक ठीक है। तो हमें बताना है आप पे कि द क्रिएशन ऑफ मिस्टिक एंड मेलो, ऐसी स्टाइल्स के बारे में बताना है हमें, जहाँ पे ग्लूमी मतलब होता है डार्क वे में दिखाना किसी चीज़ को, डार्क कोई सी चीज़ को, मतलब ऐसे दर्द भरा दिखाना, ग्लूमी कलरिंग का यूज़ करके डिफ्यूज लाइट बैकग्राउंड में, आगे पीछे लाइट होता है ना, डार्क टोन लाइट टोन, वो यूज़ करके बताया गया एक्सपीरियंस ऑफ एस्ट्रल वर्ल्ड। एस्ट्रल का मतलब होता है स्टार लाइक मतलब मैं समझाती हूँ कि जैसे टू, मतलब कुछ ना कुछ स्टार से रिलेटेड एस्ट्रल वर्ल्ड। हम लोग एस्ट्रल प्रोजेक्ट्स वगैरह हमने पढ़ा है आज तक अपनी पूरी लाइफ में, कभी ना कभी सुना ही होगा एस्ट्रल का मतलब। तो एस्ट्रल मतलब स्टार लाइक, स्टार्स के बारे में बात करना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली बताना है कि एक ऐसी पेंटिंग जहाँ पे मिस्टिक एंड मेलो स्टाइल्स हो, ग्लूमी कलर्स हो और आगे मतलब डिफ्यूज लाइट एंड डार्क टोन्स का यूज़ करके बनाया गया हो उसको। तो इसमें आप 3 पेंटिंग्स हैं, शिवा एंड सती, राधिका और मेघदूत, इन तीनों में से कोई भी पेंटिंग लिख सकते हो। आपको बताए एनी रेलेवेंट, जो आपको रेलेवेंट लगे उन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, इस चैप्टर में बंगाल स्कूल में द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स जो हैं वो है जर्नीज एंड और मेघदूत। लाइक आपसे अगर क्वेश्चन आएगा कि विच यू लाइक और डिसलाइक द मोस्ट, अच्छा उसके मैंने और वाला क्वेश्चन नहीं करा है बिकॉज उसने पहाड़ी, राजस्थानी और मुगल का पूछा था, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं छुड़वा रही हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक। तो आपको लाइक और डिसलाइक में मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाइक वही करना, डिसलाइक करने की कोशिश कम ही करना, ठीक है, वरना क्या पता टीचर को अच्छा ना लगे। सो लाइक वही पेंटिंग्स करना जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, जिससे कि आपकी एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग भी आ जाएगा, वो इम्पॉर्टेंट पेंटिंग में भी कवर हो जाएगा और तो और वो आपको लाइक ईजी पेंटिंग भी हो जाएगी। मतलब होता है ना कि एक तीर से दो निशान है, तो अगर वो आ भी गए उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के, तो इम्पॉर्टेंट में भी आ गया और आपको वो ईजी या आप ऑलरेडी वही याद करके जा रहे होंगे, ठीक। सो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, मेंशन द टाइटल ऑफ द पेंटिंग डन बाय ईच ऑफ द, अच्छा टाइटल बताना है कि कौन कौन से जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या बनाया है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई हमारी जर्नीज एंड, नंदलाल बोस ने बनाया है शिवा एंड सती, श्रीतेंद्रनाथ मजुमदार ने जो बनाया है वो आपके कोर्स में नहीं है, डी है राम गोपाल विजयवर्गीय जिन्होंने बनाया है मेघदूत, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन यू लाइक, अच्छा भाई मैंने बताया आपको अभी लाइक या फिर डिसलाइक आपको आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं अगर आपको बता भी दूँ, डोंट वरी, अगर आपको वो अच्छा नहीं लगे
कोई बात नहीं है, आपको जो पेंटिंग इजी लग रही है आप वो लिख सकते हो। अगर आप चारों याद करके जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, आपको चारों की चारों ही बिल्कुल ऐसे कंथस्ट याद है और आपको उसमें से कुछ लिखना है तो आपको जो मन में आप लिख दो। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है इसमें से जर्नीज एंड मेघदूत, उन दोनों में से कोई भी एक पेंटिंग उठा के लिख दो। उसमें बिल्कुल डिट्टो आर्टिस्ट, टाइम पीरियड, मीडियम, टेक्निक, स्कूल, कलेक्शन और बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी चीज़ें बतानी है। तो ऐसे नहीं एकदम से शुरू मत कर देना कि भाई जर्नीज एंड ये सब लड़ा, नहीं, आपको लिखना है द पेंटिंग विच आई लाइक द मोस्ट इज जर्नीज एंड मेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अब फिर उसके नीचे से शुरू करो, टाइटल जर्नीज एंड, आर्टिस्ट रविंद्रनाथ टैगोर, पीरियड 1937, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा एंड वॉश, स्कूल बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, फिर डिस्क्रिप्शन इतना बड़ा जो मैंने बताया है, फिर लास्ट में कलेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे लिखना है, एकदम तो शुरू मत करना, मतलब ऐसे वेग सा लगता है वो काफ़ी। ठीक है, ओके, सो लास्ट है सिक्स क्वेश्चन, नहीं शायद लास्ट नहीं है, इसके बाद एक क्वेश्चन है। हाँ, सो सिक्स क्वेश्चन है हमारा कि हमें बताने हैं आर्टिस्टिक अचीवमेंट बताने हैं कि जो पेंटिंग्स इन्होंने बनाई हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अगेन आपकी बनाई है जर्नीज एंड, और बी है मोहम्मद अब्दुल रहमान चगुताई, तो इन्होंने बनाई है राधिका पेंटिंग। ठीक है, तो देखो फिर से आ गया ना जर्नीज एंड यहाँ पे। तो अगर आपको याद रखनी है ये बात कि कितने नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन, तो ये है आपका बंगाल स्कूल के बारे में, ये आपका सैम्पल पेपर में आया था, 4 नंबर का यही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखने क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको बता रखा है कि आपको बंगाल स्कूल के बारे में बताना है और इसमें आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बताना है, उसके मेन फीचर्स बताने हैं, फिर हमारे जो बंगाल स्कूल है उसने कैसे प्रमोट किया इंडियन के जो नेशनलिज्म है उसको वो बताना है, और फिर किसी एक आर्टिस्ट के बारे में और उसका एक आर्ट वर्क डिस्क्राइब करना है। तो आर्ट वर्क का मतलब वही पेंटिंग होता है। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में क्या करोगे, डेवलपमेंट पे कैसे 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ, फिर कैसे वो फ्लरिश हुआ इंडियन और एशियन का मिला करके, कहाँ कहाँ पे आर्ट स्कूल्स खोले, फिर वेस्टर्न स्टाइल क्या है, ये सब मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो एक बार जा करके उसे दोबारा देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर रविंद्रनाथ टैगोर का रोल क्या है, फिर इंडियन हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट वगैरह, ये सब जो टेम्परा एंड वॉश टेक्निक्स जो रविंद्रनाथ टैगोर लेके आए थे, उनके फेमस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें लिख देना। फिर आर्टिस्टिक फीचर्स में आपके आर्टिस्टिक फीचर्स मतलब मेन फीचर्स ही लगे हैं उसके, तो वो सारी बातें लिख दो कि 5 पॉइंट है, कोई 2 या 3 लिख दो बिकॉज ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। फिर थर्ड आता है कि कैसे इन्होंने जो इंडियन थीम्स को कैसे प्रमोट किया, तो ये बात हमने ऑलरेडी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में लिख दी। चाहो तो इसमें ये वाला पॉइंट जो हमने नेशनल फ्लैग, हाँ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो हमारा चैप्टर था, हमने जब उसमें पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट, तो उसमें लास्ट वही लास्ट पैराग्राफ में ये बात लिखा बताई हुई है मैंने कि कैसे जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट हैं उन्होंने कैसे सीड हो गए थे पेंटर्स, स्कल्पचर्स, पोएट्स, है ना, कि उनका टेक माइंड एंड सोल्स अवे फ्रॉम द थॉटलेस ब्रिटिश। तो मतलब ये मैं बताना ये चाह रही हूँ यहाँ पे कि आप वो चीज़ भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ देना, क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, सो ये बात हो गई यहाँ पे कि हाँ भाई उनका इंडियन नेशनलिज्म कैसे उन्होंने प्रमोट किया इंडियन पेंटर्स ने। लास्ट में आते हैं हम अपने फेवरेट आर्टिस्ट एंड डिस्क्राइब हिज आर्ट वर्क। तो सबसे ईजी पेंटिंग है आपकी वही अगेन, मुझे जर्नीज एंड बहुत ईजी लगती है बिकॉज उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक कैमल है उसको डिस्क्राइब करना है, खाली अपने दिमाग में कैमल की फ़ोटो को बना के रखो, जैसे वो कैमल ऐसे नीचे पत्थर पे पड़ा हुआ था वही है, पोएटिक डेलिब्रेशन है, डम्ब एनिमल है, कैमल को देख के तुम्हें दया आती है, मतलब सिंपथेटिक लुक है उसका, कैमल को देख के हल्का सा मतलब ये बात कैसे वो सफ़र कर रहा है, उसकी आधी खुली हुई ऐसी मतलब कानी आंखसी हो रखी है। ठीक है, और कंपोजिशन में कैसे वो डेजर्ट की ऑफकोर्स ये बात है कैमल डेजर्ट में रहता है, तो काफ़ी शाम का टाइम हो रहा है, कौन कौन से कलर्स यूज़ किए गए हैं तो याद आता है हमें, तो रेड यूज़ हुआ होगा, ब्राउन यूज़ हुआ है, येलो यूज़ हुआ है। ठीक है, और यही मतलब लाइट और डार्क टोन में यूज़ हुआ होगा, दैट्स इट। तो देखो ये बहुत छोटी सी पेंटिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी पेंटिंग है, तो इसलिए मैंने आपको ये रिकमेंड करी। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स पे। ओके, सो पानी पी लो गाइस। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं हमारे व्हाट डू यू अगेन लाइक एंड डिसलाइक। लाइक एंड डिसलाइक का जो क्वेश्चन है ना, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको जो आता है ना वो उठा के बेसिकली लिख दो, तो इसलिए इसके आने के चांसेस होते हैं।
सो लाइक या डिसलाइक में आपसे पूछा है मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स का कौन सा आपको अच्छा लगता है, तो अगेन चार हैं, उसमें से मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहूँगी वो है मदर टेरेसा और रामा वैंकशिंग प्राइड ऑफ द ओशन। ठीक है, वैसे हल्दी ग्राइंडर और मदर एंड चाइल्ड भी आ गया आपका आ जाए किसी ना किसी क्वेश्चन में, बट मदर टेरेसा मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगता है ये पेंटिंग की, हाँ ये आ सकता है बिकॉज उसमें लाइक मदर टेरेसा के बारे में बताया गया इस पेंटिंग के अंदर, दैट्स वाई। और रामा वैंकुशिंग प्राइड ऑफ द ओशन मैं आपको इसलिए रिकमेंड करूँगी बिकॉज जब मैंने ये पढ़ाया था तो आपको स्पेशली मैंने इसकी एक वीडियो दिखाई थी, एंड व्हाट आई लाइक थिंक कि बच्चों को कोई वीडियोस दिखाओ कोई ऐसा मूवी या सीन टाइप, उन्हें ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बैठता है, तो इसलिए मैंने बोला कि रामा वैंकुशिंग प्राइड ऑफ द ओशन, तो ये वाली पेंटिंग काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इसका आर्टिस्ट अनाज रवि वर्मा, लेट 19th सेंचुरी की ये पेंटिंग बनाई गई है, और इसमें मतलब अब ऑफकोर्स ही बात है रामा वैंकुशिंग प्राइड ऑफ द ओशन तो राम जी का नाम आ रहा है, तो वाल्मीकि रामायण से ली गई है, और जो हमने पेंटिंग में लाइक वीडियो में देखा था, पेंटिंग में जो देखा है यहाँ पे देख भी रहोगे आप लोग कोने में कि राम जी कैसे बिल्कुल ऐसे अपना धनुष बाण लेके खड़े हुए हैं ऐसे, और उधर से जो ओशन कौन था, वरुणा जी उनके जो एस्कॉर्ट्स थे उनके साथी वो आके उन्हें रोक रहे हैं, कंपोजिशन में काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें ऑल्दो मैंने आपको बताई हुई है पेंटिंग्स में, तो वही बता रही थी कि कैसे आप इसको लिखोगे, अगेन लाइक एंड डिसलाइक का क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करोगे आई लाइक दिस पेंटिंग बिकॉज दिस इज द रीज़न, फिर अगेन उसका आर्टिस्ट वगैरह वगैरह जो मैंने आपको अभी सब बताया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंशन द नेम ऑफ एनी थ्री पेंटर्स, अच्छा तीन पेंटर्स के नाम बताने हैं, एक ग्राफिक आर्टिस्ट का नाम बताना है, एक स्कल्पचर का नाम बताना है जो कि आपको अच्छे लगे, इसमें आपको जो नाम अच्छे लगते हैं आप वो लिख सकते हो, इसमें नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है ये कर सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट कर सकते हो, आई रिकमेंड कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो बिकॉज आपको कहीं नाम याद ना हो उनके पेंटर्स के, फिर उनकी पेंटिंग याद ना हो तो क्या करोगे, है ना, तो उससे बेटर है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे आप ऊपर वाला करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नाम है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक तीन पेंटर के नाम लिखो, एक ग्राफिक आर्टिस्ट लिखो, एक स्कल्पचर लिखो, काम खत्म, दैट्स इट। बट अगर वो नहीं याद है उसमें से एक भी चीज़ नहीं याद है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, उसमें क्या होगा, उसमें खाली आपको एक पेंटिंग बतानी है, भाई मैंने बताया रामा वैंकुशिंग प्राइड ऑफ द ओशन उठाओ या फिर मदर टेरेसा उठाओ, मदर टेरेसा जो उठाओगे तो बहुत 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 ईजी और अच्छा क्वेश्चन है वो, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें आपको मदर टेरेसा है उनका खाली आपको बताना है कि मदर टेरेसा एक्चुअली में कर क्या रही हैं, तो उनके लैप पे लाइक एक लैप पे एक इंसान लेटा हुआ है, एक साइड पे एक बच्ची है और एक साइड पे एक बेबी है ना, और वो वाइट और ब्लू कलर की साड़ी है, तो बस यही बता रखा है इस पेंटिंग में और कुछ है ही नहीं, और किसने बनाई है, MF हुसैन ने, तो बहुत पेंटिंग की तारीफ कर दो कि शार्प लाइन्स है, एक्सप्रेशंस हैं, बहुत अच्छे टोन्स वगैरह का यूज़ किया गया है, लाइट डार्क टोन्स, दैट्स इट, बस हो गया इसमें तो, ये तो और ईजी हो गया मेरा टेरेसा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ह्यूमन लाइफ वैल्यूज इमोशंस आर शोन, अगेन ह्यूमन लाइफ की वैल्यूज है, तो आपको यहाँ पर बेसिकली पेंटिंग्स को एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में कि मदर एंड चाइल्ड कौन सी पेंटिंग है, चिल्ड्रन के बारे में एक्सप्लेन करना है, राइज हनर्ड और मतलब इन सब से कुछ एक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ह्यूमन लाइफ वैल्यूज, अगेन ह्यूमन लाइफ वैल्यूज आपसे पूछा जाए तो आपको सिंपल उसका डिस्क्रिप्शन दे देना है। अब इसमें डिस्क्रिप्शन का मतलब ये मत समझना कि हम इसमें पीरियड छोड़ देते हैं या फिर इसमें मीडियम छोड़ देते हैं, इसमें टेक्निक छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा मत करना, मार्क्स कट जाएंगे या फिर कम नंबर मिलेंगे, अच्छा नहीं होगा फिर वो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिफ्थ आपको बताना है इसमें आर्टिस्ट का नाम, रामा वैंकुशिंग प्राइड ऑफ द ओशन ये बनाया है राजा रवि वर्मा ने, और क्राइज हर्नर्ड आपका बनाया है अमरनाथ सहगल ने। ठीक है, फिर आते हैं, अब ये जितने भी आगे ये 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से समझना इनका क्या कहना चाहते हैं। राजा रवि वर्मा तो हमेशा याद रखना, अगर पहले अगर तुम्हें आर्टिस्ट का नाम दे दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, हमें पता चला है कि कहाँ से ये बात कर रहे हैं, तो राजा रवि वर्मा की बात हो रही है तो मॉडर्न ट्रेंड से बात हो रही है। ठीक है चलो, ओके, तो इन्हें बताया गया कि इन्होंने एकेडमिक रियलिज्म, इन्होंने हर एक चीज़ को बहुत काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है और डिपिक्ट कर रहे हैं इन्होंने सीन कहाँ के, रामायण महाभारत के, ऑफकोर्स ये बात है राजा रवि वर्मा ही तो थे जिन्होंने रामा वैंकुशिंग प्राइड ऑफ द ओशन बनाया है। ठीक है, ओके, द पेंटिंग ऑन द एपेक्स बिकेम सो पॉपुलर दैट मेनी ऑफ देम कॉपीड इनको एज अ ओलियोग्राफ्स। ओलियोग्राफ्स क्या होते हैं, हम तो बेसिकली ओलियोग्राफ होता है कि ये भी एक टाइप का ऑयल पेंटिंग ही होता है बट उसके जैसा एज अ कॉपीड समझ लो। ठीक है, सो वो बनाएगा तो काफ़ी सारे लोगों ने उसे कॉपी किया और फिर मार्केट्स में सोल्ड किया। ठीक है, और अपने घर में कैलेंडर वैलेंडर के फॉर्म में बनाया, तो इतनी सारी जो उन्होंने रामायण लिख दी है तो सीधे सीधे लिख देते कि राजा रवि वर्मा कि हमें कॉम्पोजिशन बताना है और लाइक क्यों लाइक और डिसलाइक करते हो, बट कोई बात नहीं उनका मन। सो आते हैं यहाँ पे, तो राजा रवि वर्मा की अगेन मैंने आपको बताया कि उनका एक पेंटिंग उनकी एक ही है, दैट इज़ रामा वैंकुशिंग प्राइड ऑफ द ओशन,
वो लिख दो, और क्यों लाइक और डिसलाइक करते हो, तो आई लाइक दिस पेंटिंग बिकॉज आई लाइक दिस पेंटिंग मेड बाय राजा रवि वर्मा, दैट इज़ रामा वैंक्विशिंग प्राइड ऑफ द ओशन. फिर आप लिखोगे आर्टिस्ट पीरियड टाइम, फिर लिखोगे आर्टिस्ट पीरियड टेक्निक मीडियम स्कूल, फिर आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन में लिखना आई लाइक दिस पेंटिंग बिकॉज दिस पेंटिंग हैज़ इज़ एन एपिसोड फ्रॉम वाल्मीकि रामायण. इन दिस पेंटिंग राजा रवि वर्मा हैज़ डिपिक्टेड. फिर जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो सब लिख डालो, फिर कलेक्शन लिख करके ख़त्म. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पेंटिंग पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन दिस पेंटिंग थ्री वुमेन्स आर पोर्ट्रेड इन अ सेंटर ऑफ द पिक्चर प्लेन विद येलो वाइट एंड रेड साड़ीज. तीन वुमेन हैं, तीन वुमेन तो हमारे पास दो पिक्चर्स में थी, है ना, मदर टेरेसा में थी और एक हल्दी ग्राइंडर में. बट यहाँ पे लिख रखा है विद पिक्चर, फिर साड़ी का कलर बता दिया है येलो वाइट और रेड. येलो वाइट और रेड, अगर तीन अलग अलग साड़ियाँ हैं, हमें एक ही यूनिट आ रहा है येलो वाइट और रेड, खाली एक ही पेंटिंग में है, दैट इज हल्दी ग्राइंडर. यही पर आंसर क्लियर हो गया कि क्या करना है हमें. प्लेस विद द बैकग्राउंड ट्रीज एंड नेचर्स, नेचर और ट्रीज बता रखे हैं इस पेंटिंग के अंदर, उस पेंटिंग में भी था ना, ठीक है, हल्दी ग्राइंडर में. फिर आता है कि डार्क ब्लैक ब्राउन पोर्ट्रेल है वुमेन्स का, मतलब उनका जो मैंने आपको बताया था ना कि जितनी भी ये पेंटिंग बनाई बनी हुई हैं, ये सारी की सारी पेंटिंग्स कैसी हैं, याद आ जाना चाहिए था अभी तक, की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं. ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं सारी की सारी, जिसमें कि इनके जो फेसेस हैं वो डार्क ब्राउन कलर से या फिर इनका प्रॉपर डिटेलिंग नहीं दी गई है. ठीक है, और सारे के सारे क्या ट्रीज़ के आसपास से बिहाइंड द ट्रीज़ हैं और रेस्टिंग मूड में हैं. तो आइडेंटिफाई एंड नेम द आर्टिस्ट. आर्टिस्ट का नाम पहले पूछा है ए पार्ट में, अमृता शेरगिल. फर्स्ट क्वेश्चन डन. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है आपका नेम द पेंटिंग एंड द कॉमन स्पाइस डिपिक्टेड इन इट. तो पेंटिंग का नाम है हमारा हल्दी ग्राइंडर और कॉमन स्पाइस कौन सी हो गई, हल्दी. सिर्फ हल्दी ग्राइंडर लिख के मत छोड़ना कि चलो भाई टीचर को समझ में आ जाएगा हल्दी होगी, नहीं, लिखो प्रॉपर नेम द पेंटिंग हल्दी ग्राइंडर, कॉमन स्पाइस हल्दी. थर्ड क्वेश्चन, डज द मैसिव पावर ऑफ द रूलर वुमन रिफ्लेक्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेंटिंग. ओके, सो आपको इसमें बताना है कि क्या जो ये पेंटिंग बनाई है अमृता शेरगिल ने हल्दी ग्राइंडर, क्या ये कुछ दिखाती है, कुछ रिफ्लेक्ट करती है वुमेन के बारे में. तो यस, इसमें आपको फिर डिस्क्रिप्शन पेल देना. यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो लिखोगे वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या मतलब आर्टिस्ट पीरियड दोबारा से, नहीं, इसमें फिर पैराग्राफ के फॉर्म में ही लिख देना कि हाँ भाई दिस पेंटिंग मेड बाय अमृता शेरगिल इज मेड बाय, मतलब मेड बाय ऑफकोर्स अमृता शेरगिल, बट टेक्निक जो यूज़ हुई है वो ऑयल ऑन कैनवास, दिस इज़ अ मॉडर्न स्कूल पेंटिंग. देन आप लिखोगे इसमें कि जो ये पेंटिंग के अंदर, इन दिस पेंटिंग वी कैन सी देयर इज अ ग्रेट एम्पथी और फैसिनेशन एंड फॉर द रूलर एंड पुअर पीपल की, मतलब दिखाया गया था ना इस पेंटिंग के अंदर, तो जो अमृता शेरगिल है फिर उनके बाद उन्होंने डोमेस्टिक इंडियन हाउस होल्ड को दिखाया गया है. सो ये सारी पावर आपसे लिखनी है. मैसिव पावर पूछा है तो ये पावर है, पावर इन द सेंस ये डोमेस्टिक चीज़ें दिखाई गई हैं इंडियन हाउस होल्ड्स की. ठीक है, एक्सप्लेन लॉजिकली विद आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो वही आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. द पेंटिंग शोज अ फेसलेस फिगर विद सॉफ्ट फ्लोइंग ड्रेप्स ऑफ द ब्लू बॉर्डर वाइट साड़ी. बस यहीं पर पता चल गया हमारी ये मदर टेरेसा है. चलो, दैट इज़ ड्रॉन बाय अ फीमेल फिगर. ऑफकोर्स ये बात है, वाइट साड़ी है, ब्लू बॉर्डर्स हैं, तो ये पेंटिंग तो डेफिनेटली हो गई हमारी मदर टेरेसा. शी इज़ कैरिंग अ सिक पर्सन, डन, ऑन हर लैप. देन द एक्वायर्स अ सर्टेन मॉन्यूमेंटली एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सल मदर. यूनिवर्सल मदर भी बोलते हैं उन्होंने, इससे ज़्यादा क्या हिंट लो गया, है ना. और एक वनरेबल मैन भी उनके ऐसे लैप पे है. तो डेफिनेटली द पेंटिंग इज मदर टेरेसा. तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द पेंटिंग मदर टेरेसा बाय द आर्टिस्ट जर्मनी रॉय. सॉरी गाइज. ओके, सो हाँ, तो बी पार्ट क्या आता है इसका. अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग हु कैन बी द सेंट्रल फीमेल फिगर इन द पेंटिंग. दिस द सेंट्रल फीमेल फिगर इज ऑफकोर्स मदर टेरेसा. थर्ड फिर आते हैं हम इसके अप्रिशिएट इन शॉर्ट अ फ्यू appreciate in short a few artistic qualities that you admire in this artwork. तो आपको इसमें basically again आपको detailed description ही बताना है. Next आते हैं हम अपने graphic print पे. second last chapter है ये हमारा. यहाँ पर आपको बताना है कि again मदर टेरेसा के बारे में पूछा गया है, बहुत important है, आप उसको चुपचाप से याद कर लेना. ठीक है, तो name of the painter जामिनी रॉय, medium and technique जो बनाई गई है किस
कैसे बनाई गई है, सब्जेक्ट मैटर एंड कॉम्पोजिशन, ये सब आपका बता रखा है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेम टू ग्राफिक प्रिंट्स फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी विच शोज अ कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन द ह्यूमन फिगर्स, राइट अबाउट देयर मेथड्स एंड मटीरियल यूज फॉर मेकिंग दिस प्रिंट्स। दो ग्राफिक प्रिंट्स बताने हैं आपको, जो भी आपको अच्छे लगे, चार आपको ग्राफिक प्रिंट्स कराए हैं मैंने, आपको जो अच्छे लगे उसमें से आप दो कोई भी लिख सकते हो। मेरे हिसाब से आपको अच्छे लगने चाहिए चिल्ड्रन और ऑफ वॉल, या जो भी अच्छे लगे, वैसे इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। सो चिल्ड्रन एक बार को इम्पॉर्टेंट है, मैंने नीचे आपको शॉर्ट नोट भी चिल्ड्रन का ही देख रखा है, यस। सो आप उसमें लिख सकते हो। फिर मेथड कैसे बनाए गए हैं एचिंग एंड एक्वांटेंट से, मटेरियल्स क्या यूज़ हुए हैं, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इनका पढ़ना होगा, वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें निकालो। दो नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, खाली नाम लिखो पेंटिंग का और फिर मटेरियल और मेथड जो यूज़ किया गया है वो लिखो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा का होगा तब बात बनती है कि हाँ हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना है। लास्ट चैप्टर है हमारा मॉडर्न स्कल्पचर, ठीक है। सो अगेन, विच मॉडर्न स्कल्पचर डू यू लाइक, द भाई बहुत अच्छी अच्छी सारी चीज़ें हमें पसंद आती हैं, तो मॉडर्न स्कल्पचर जो हमें लाइक करते हैं हम है भाई हमारा ट्रायंफ ऑफ लेबर, ठीक है। तो डी पी राय चौधरी ने वो बनाई है, बहुत ही अच्छी, लाइक ये ट्रायंफ ऑफ लेबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपका, ठीक है। या फिर आप क्राइज अनहर्ड कर सकते हो, शॉर्ट नोट भी मैंने आपको इन्हीं दोनों पे दिए हैं बिकॉज ये दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। संथाल फैमिली भी है तो आप कंसिडर कर सकते हो उसे, बट ट्रायंफ ऑफ लेबर और क्राइज अनहर्ड तो काफ़ी ज़्यादा है, ट्रायंफ ऑफ लेबर तो सबसे ज़्यादा, ठीक। तो वो लिख देना। अगेन आई लाइक दिस पेंट, द पेंटिंग आई लाइक ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर इज, सॉरी, द स्कल्पचर विच आई लाइक इज ट्रायंफ ऑफ लेबर एंड मेड बाय द आर्टिस्ट डी पी राय चौधरी, फिर टाइम पीरियड, मीडियम, स्कूल कलेक्शन, ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं शॉर्ट नोट क्राइज अनहर्ड ट्रायंफ ऑफ लेबर, उनको बता दें कैसे करना है। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, नेम द टू फेमस स्कल्पचर्स एंड देयर आर्ट वर्क दैट रिफ्लेक्ट द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया एट दैट टाइम। टू फेमस स्कल्पचर्स का नाम लिख दो, संथाल फैमिली का राम किंदार बैज, क्राइज अनहर्ड अमरनाथ सहगल, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने आपको, हाँ ऐसे ये तो आपका नहीं आ रहा राजस्थानियन पहाड़ी, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए अगेन जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी ना की पॉइंट्स, तो ये की पॉइंट्स हैं जो कि आपके पेपर में लाइक होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें हम एंड मोमेंट पे देखते हैं सुबह सुबह सो के उठने के बाद, शाबाश। सो ये वो चीज़ें हैं, तो इसमें जैसे कि सैफ्रन कलर क्या दिखाता है, वाइट कलर क्या दिखाता है, जर्नीज एंड का मीडियम कौन सा है, राधिका का आर्टिस्ट कौन है, शिवान सती का टाइम पीरियड क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह पे ही नोट करके आपके लिए बना दी हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा आपको मैंने अभी बताया, इसका पूरा आपको प्रॉपर टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसके आंसर्स का पीडीएफ आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 तारीख तक आ जाएगा, जिससे कि आप लास्ट में एटलीस्ट उसको पढ़ सको, कुछ छूटे ना, ठीक है। और उससे पहले खुद एक बार इनके जितने मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इसकी प्रैक्टिस करके देखना, पेपर बहुत अच्छा जाएगा तुम लोग का, डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अपने पर भरोसा करो और जो मैंने पढ़ा है उसको ध्यान से बिल्कुल अच्छे से करके जाओ, आँखें और दिमाग खोल के पेपर करना, ठीक है, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स, एंड कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में पूछनी भी हो पेपर से रिलेटेड, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड टिल देन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर।